चाहूं मैं आना अपने तू दिल का पता दे, क्या बात है, चाहूं मैं आना। मैं बहुत स्ट्रगल, 6 साल 7 साल से मैं स्ट्रगल कर रही थी, और बीच में ही 2019 में ही मम्मी की डेथ हो जाती है। माँ है तो माँ की कमी तो हमेशा ही महसूस होगी। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। ये कैसे एकदम से हुबहू तस्वीर इतना अच्छा बना दिए? शायद मैंने बहुत सारा पेंटिंग देखा है लेकिन इतना खूबसूरत नहीं देखने को मिला है। एक दिन का नहीं है, एक मंथ का नहीं है, इसके पीछे बहुत सालों का मेहनत लगा है। सोशल मीडिया पे आर्ट में ज्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। अगर आप टिकटॉक बना रहे हैं, टिकटॉक की वीडियो बना रहे हैं, डांस वगैरह करके रील्स वगैरह बना रहे हैं, तो आपको बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है। दोस्तों, अभी हमारे साथ बिहार की एक ऐसी बिटिया है जिनके टैलेंट देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। ये बात जानकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा लेकिन पूरा वीडियो देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे। अभी हम बिहार के दरभंगा जिले में हैं और यहाँ की रीना हमारे साथ है जो पेंटिंग करने के लिए काफी ज्यादा मशहूर है। आप देख सकते हैं कि सामने स्क्रीन पर लता मंगेशकर जी का हो गया, सिद्धू मूसेवाला का हो गया और तमाम आपको पोस्टर देखने को मिलेंगे। और ये फोटो वगैरह कोई खींचा नहीं गया है बल्कि रीना जो है अपने मेहनत और काबिलियत के दम पे पेंटिंग करके इन लोगों का तस्वीर बनाई है। बाकी इनके बारे में हम बात करेंगे लेकिन इससे पहले आपको इनका कहानी बताते हैं। आज से 3 साल पहले माँ का जो साया है अपने सर से हट गया, हालांकि इसके बाद भी इनके पिताजी जो है लगातार इनको सपोर्ट करते हैं और इसके बाद ये जो है पढ़ाई के साथ साथ पेंटिंग करती है और इनका जो पेंटिंग है लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इनका पेंटिंग देखने के बाद आप भी इनके दीवाने हो गए हैं। और इनसे मिलने के लिए अभी जो है समस्तीपुर के जाने माने जो सिंगर हैं, अभी पूरे देश में ट्रेंडिंग करते रहते हैं, अमरजीत जयकर जी हैं, ये भी पहुँचे हुए हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग अगर ऐसे बिटिया को जिनके अंदर रियल में टैलेंट है ऐसे लोग को सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले रीना जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। ये बताइए पेंटिंग किसने बनाया है? मैंने बनाया है। आप ही ने बनाया है? Yes. मुझे तो लग रहा है कि कोई तस्वीर वगैरह मोबाइल से तो नहीं ना खींची हुई है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हाथ का बना। कैसे एकदम से हूबहू तस्वीर इतना अच्छा बना दिए? शायद मैंने बहुत सारा पेंटिंग देखा है लेकिन इतना खूबसूरत एकदम से मतलब देखा जाए तो नहीं देखने को मिला है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो भी आप देख रहे हैं ये एक दिन का नहीं है, एक मंथ का नहीं है, इसके पीछे बहुत सालों का मेहनत लगा है। बहुत सालों का मेहनत? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सालों का मेहनत। मैं बहुत स्ट्रगल, 6 साल 7 साल से मैं स्ट्रगल कर रही थी और बीच में ही 2019 में ही मम्मी की डेथ हो जाती है। उसके बाद और भी ज्यादा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। फिर मेरे माइंड में क्या प्रॉब्लम होता है उसके बाद से? घर से बाहर नहीं निकलना, मतलब बहुत कुछ होता है फैमिली में। गांव में है तो बहुत कुछ होता है कि आप आर्ट फील्ड में है तो आर्ट फील्ड में आपका कैरियर नहीं है, आपका उससे आप क्या करेंगे, आप डॉक्टर इंजीनियर है। लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी वगैरह का तैयारी करना चाहिए। बिल्कुल, सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहिए, उसमें तो पैसा मिलता है, आर्ट से क्या मिलेगा, कुछ नहीं, ये तो हर कोई कर लेगा, ये चिड़चिड़ी, तो गाँव के लैंग्वेज में इसको जनरली चिड़चिड़ी कहते हैं। तो मुझे लगता था कि ठीक है, आज मेरा नाम नहीं है, मैं कुछ नहीं बोल सकती, बट जिस दिन मैं अपने नाम अपने कला के बदौलत जिस दिन मेरा नाम बन जाएगा उस दिन मैं सबको जवाब दे दूंगी। तो मुझे बहुत कुछ सुनना भी पड़ा जब मैं मतलब फेलियर का मुझे सामना करना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, तो फैमिली वाले हमेशा सपोर्ट किया। जब मैं आर्ट का शुरुआत की थी उस टाइम में मेरे पास एक फोन तक नहीं था, एक पेंसिल तक नहीं था और मुझे सोशल मीडिया के बारे में कुछ ही कैसे थी आप हमें बताना चाहूंगी। मेरे पास उस टाइम में कुछ नहीं था, सोशल मीडिया वगैरह कुछ भी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं था। तो मेरे भैया पापा सब मिल करके वो फ़ोन दिए और पैसा दिए कि ये तुम खरीदो, जो जरूरत का चीज़ है वो ला करके दिए। उसके बाद मैं पेंटिंग वगैरह करना स्टार्ट की। तो कितने सालों से पेंटिंग कर रही है आप? 7 साल से। 7 साल से पेंटिंग कर रही है लेकिन अभी तक आपको सपोर्ट नहीं मिला है? बिल्कुल नहीं, 7 साल से मैं। क्या कारण है कि 7 साल से लगातार आप पेंटिंग कर रही है, इसके बाद भी बहुत सारे मतलब कलाकार हैं बाकी लोग को सपोर्ट करते हैं लेकिन आपको सपोर्ट नहीं मिला? क्योंकि मैं अभी सोशल मीडिया पे आर्ट में ज्यादा लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। अगर आप टिकटॉक बना रहे हैं, टिकटॉक की वीडियो बना रहे हैं, डांस वगैरह करके रील्स वगैरह बना रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है, बट आप कुछ अच्छा मेहनत करते हो तो आपको सपोर्ट आपको सक्सेस मिलेगी बट लेट मिलेगी। ठीक है, तो उसमें आर्ट फील्ड में आर्टिस्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, तो मैं भी कर रही हूँ और अपने मेहनत के दम पे। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करने की जरूरत है। जरा सोचिए कि ये 7 साल से इतना अच्छा पेंटिंग
एक्टिंग कर रही है, अगर ये भोजपुरी गाना गा रही होती, रील्स वगैरह बना रही होती टिकटॉक पर, तो आज इनके लाखों फॉलोअर्स हो गए रहते और बहुत सारे कलाकार इनको सपोर्ट भी करते हैं। कभी कभी रोना भी आता होगा कि इतना मेहनत करने के बाद भी कोई बड़ा वाला कलाकार जो है नहीं बुलाते हैं, इतना मतलब वो सपोर्ट नहीं करते हैं। बहुत बहुत बुरा फील होता है जब मैं इंस्टा और पे देखती हूँ कि टिकटॉक जो वीडियो बनाती है, जो फालतू फालतू वीडियोज़ बनाती है, उसके वीडियोज़ पे काफ़ी व्यूज़ आते हैं, लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और आर्ट फील्ड में ऐसा क्यों होता है, इतना स्ट्रगल क्यों करना पड़ता है, हमें क्यों नहीं सपोर्ट मिलता, हमें वो प्यार क्यों नहीं मिलता है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा। उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो आप अपना मेहनत करते रहो, भगवान पर भरोसा रखो। और आप भगवान पर भरोसा है? बिल्कुल, भगवान और माँ फैमिली सब पे भरोसा है कि एक ना एक दिन अगर मैं मेहनत इसी तरह से अगर करती रही तो लाइफ में कुछ ना कुछ मैं जरूर करूंगी। और मेरा ये सपना है कि मैं अपने फैमिली का नाम रोशन करूं। पेंटिंग कैसे बनाई है आप, ये बताइए। लता मंगेशकर जी का हो गया, सिद्धू मूसेवाला का हो गया, एक पेंटिंग बनाने में कितना वक्त लगता है? मैं एक दिन में बना लेती हूँ। एक दिन में एक पेंटिंग को बना लेती है, जैसा कि लता मंगेशकर, ये क्या सोचकर बनाई? ये एक घंटे में बनाई थी, ऐसे ही मेरे माइंड में आया कि चार पेन को हाथ में बांध के एक घंटे में बना। चार पेन को हाथ में बांध के पेंटिंग कर लेती है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक साथ चार पेन एक हाथ से चलाती है? हाँ बिल्कुल, चार पेन मुंह से भी बना सकती हूँ, हाथ से भी बना सकती हूँ, मैं टी शर्ट पे बना सकती हूँ, मैं मतलब कुछ भी चीज आप पेंटिंग में कोई भी चीज हो तो मैं बना लेती हूँ। और साथ में मैं डिजिटल ग्राफिक्स डिजाइनिंग का जो भी है, डिजाइनिंग वगैरह, वो सब भी मुझे आती है। अमरजीत जी इन्हें देखकर आप क्या कहना चाहेंगे, 7 सालों से इतना ज्यादा मेहनत कर रही है, कहीं टिकटॉक पर रील्स जाके बनाई होती तो अब तक फेमस हो गई रहती है। सबसे पहले भैया मैं बताऊं कि 10th में जब मेरा भी क्रॉस लगा था तो लोग ऐसे ही कहते थे कि क्या करेगा, कहते ना कि बीए करके बकरी चलाना, बकरी चलावा था, वो वाला खिस्सा हो गया था, कहानी हो गया था। लेकिन हम एक चीज बोलेंगे, पढ़ाई में हम फेलियर हो गए, पढ़ाई में फेल हो गए, लेकिन जो मेरा आर्ट है, कला है, वो तो एक ना एक दिन दिखेगी सबको, तो वो मेरा दिखा। और मैं चाहता हूँ कि इनको भी बहुत ज्यादा सपोर्ट मिले जी। और ये कहीं ना कहीं इसका जीता जागता उदाहरण हमारे साथ अमरजीत है, जो पिछले 5 से 7 सालों से मेहनत कर रहे थे, हालांकि इसके बाद भी इनको सफलता नहीं मिला, लेकिन एक ना एक दिन, कहते हैं ना कि अगर आप किसी भी काम को अपने हिम्मत और हौसला के साथ करते हैं तो एक दिन ना एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। ये बनाने के लिए सारा खर्चा वगैरह कहाँ से अरेंज वगैरह होता है सब चीज? ये फैमिली वाले, पापा भैया, पापा काफी सपोर्ट करते हैं। पापा क्या करते हैं आप? हम बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं, बेटी को कितना सपोर्ट करते हैं? बहुत लोग हैं जो बेटी को चाहते हैं कि शादी वगैरह करके घर से हटा दें, कहा जाए सब झेल मेल, मतलब जो भी खर्चा वगैरह उठाना, ही सब ऐसा बात नहीं है जो पहले होता पढ़ाई। ये जो पेंटिंग का जो काम है जी, तो बिहार में इसका पेंटिंग का ज्यादा मानता नहीं है। आप बंगाल में चले जाओ, अदर कास्ट में, अदर स्टेट में चले जाइए, इसका ज्यादा मानता है, पेंटिंग इसका जो है ज्यादा मानता है। तो यहाँ तो बिहार का तो कहता है भैंस बराबर होता है, तो यहाँ उतना वैल्यू नहीं होता, यहाँ वैल्यू पेंटिंग का कोई जानता ही नहीं। हाँ। टेट में पैसा रहेगा तब तो लगाएगा। अभी एक पेंटिंग का कीमत होता है 10,000-20,000 रुपया, लाखों में देखा जाता है पेंटिंग का। इसके अलावा ये जो है गाना भी गाती है, गाना भी गा लेती है। हाँ, मैं गाना भी। हम चाहेंगे कि लता मंगेशकर जी का पहला फोटो दिख रहा है, उन्हीं का कोई गाना वगैरह सुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल। लग जा गले हसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। वाह बहुत बढ़िया। लग जा गले से, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एकदम मुझे लग रहा है कि लता मंगेशकर जैसी एकदम आपकी आवाज लग रही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, और क्या क्या गाना गाती है आप इसके अलावा? इसके अलावा भी और भी बहुत सारा सॉन्ग मैं गा लेती हूँ। अच्छा, कुछ और गाना सुनाइए। माँ पे सुना दीजिए। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है, ओ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। माँ बच्चों की जा होती है, माँ बच्चों की जा होती है, वो होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, कितना सुंदर है, कितना शीतल है, प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ।
वाह कितना प्यारा आवाज है। ये गाना कहीं ना कहीं मतलब माँ के लिए बहुत अच्छा गाना है। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि अमरजीत जी को कब से जानती हैं आप? जब से ये फेमस हुए हैं। इनको देखकर आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा कि कहीं ना कहीं अपने मेहनत और काबिलियत के दम पे ये पूरे देश में फेमस हुए हैं और आज इनके गाना जो है यूट्यूब वगैरह पे हमेशा ट्रेंडिंग हो रहा है, तो इनको देखकर आपको भी लगता होगा कि अगर हम कंटिन्यू लगे रहेंगे तो हमको भी मतलब प्लेटफॉर्म कोई मिलेगा। जब मैं इनको देखी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हुई इनको देख के कि जब ये इतना मेहनत करने के बाद पहुंच सकते हैं तो मैं भी कहीं ना कहीं अगर ऐसी लगी रही तो एक दिन मैं भी सफल हो सकती हूँ। शायद ये मुझे फेमस होने के बाद पहचानी होगी, लेकिन मैं इसका वीडियो देखता था। जैसा इनके बारे में आप जो मुझे कहानी बताया तुरंत हम बोले कि नहीं नहीं इनके पास चला जाए, मतलब काफ़ी इमोशनल कहानी है कि देखा जाए तो माँ के गुजर जाने के बाद भी अपने हिम्मत और हौसला को नहीं हारी और पापा जी भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जी देखिए मतलब कहानी एक तरफ है और आर्ट एक तरफ है। सबसे पहले कि ये एक आर्टिस्ट अच्छी है और बनाती बहुत अच्छी है, तो मैं सोचा कि ये आर्टिस्ट को क्यों दमने दूँ, क्योंकि आप जैसा कि आप देखें पूरा चौर है, पूरा एक गांव में रहती है जहां से मतलब निकलना मुश्किल है, जैसे मैं हूं, तो मैं सोचा कि नहीं इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है, इन्हें मैं नहीं आप सब मिलकर इसे सपोर्ट करें और आगे तक ले जाएं। इनका एक चैनल है, क्या है, क्या नाम है आपका चैनल का? मेरे चैनल का नाम रीना स्केचर है, ऑल सोशल मीडिया सेम ही नाम से रीना स्केचर। अच्छा रीना स्केचर नाम से ही है। हां बिल्कुल। हम चाहेंगे कि जो लोग भी आप लोग वीडियो को देख रहे हैं सारे लोग इनके चैनल को जाके सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि देखा जाए तो जो अभी के समय में अच्छा काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। आपको कभी माँ का कमी महसूस होता है? आसपास के लोग से भी कुछ सुनने को क्या मिलता है कुछ भी? माँ है तो माँ की कमी तो हमेशा ही महसूस होगी, बाकी फैमिली है तो वो पूरा कमी को पूरा करते हैं, पापा हैं, भैया है, भाभी है, दीदी सब है, सब कमी को पूरा करते हैं। ये देखिए एक और लता मंगेशकर जी का तस्वीर है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रश्मिका मंदाना का भी आपने बनाया है। बिल्कुल। ये सारे लोग का तस्वीर यही देखिए, ये शुभांशर मिश्रा जो है जाने माने पत्रकार है, इनका भी बनाई है। ये डॉग का भी पिक्चर आपने बनाया है। और इसके अलावा ये सब कैसे बनाती है? ये एक रेत आया था मेरे माइंड में तो मैं सोची कि इंसान के अंदर से एक रेत बनाया जाए। ये देखिए भोले बाबा का कितना अच्छा तस्वीर बना रही है, एकदम लग रहा है कि जो फोटो वगैरह हम लोग जाके मार्केट से खरीदते हैं वैसा ही देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इसे बनाने में तो बहुत एकदम मेहनत लगता होगा, इतना सारा पैसा वगैरह भी खर्च करना होता होगा ना? बिल्कुल। कुछ गाना वगैरह आप सुनाना चाहेंगे इनको देखकर? मैं गाना क्या गाऊं, ये तो बहुत मेहनत कर रही है जी, लेकिन मैं चाहूंगा कि लता मैम आगे हैं तो मैं वही गाना को एक बार दोहरा दूं। एकदम। लग जा गले के फिर ये हसी रात हो न हो, वाह बहुत बढ़िया, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले से। वाह बहुत बढ़िया। अब सोचिए कि अमरजीत है जो गाना गाकर वायरल हुए, रुख जिंदगी ने मोड़ लिया ऐसा, तो इनका भी जिंदगी एकदम मुड़ेगा वैसा? जी बिल्कुल मिलेगा। ये मैं नहीं, आप लोग सपोर्ट करेंगे और मैं चाहता हूँ कि ये बहुत आगे जाए और जिस जगह से जो आती है ना ये और जिसकी स्टोरी है मुझे सेम लग रहा है, तो मैं इसलिए ज्यादा अटैच हो गया। हाँ। सोचा कि नहीं इन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए। बाकी ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं सपोर्ट करने की जरूरत है। अगर आपको इनका पेंटिंग वगैरह अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो को शेयर करें, ताकि किस प्रकार से आप सपोर्ट चाहती है? मैं चाहती हूँ कि मेरा एक खुद का नाम हो और जो मैं काम कर रही हूँ उसको पूरा इज्जत मिले, रिस्पेक्ट अच्छा मिले, से उसको सहारा मतलब सराहा जाए उसको। हाँ बिल्कुल, रिस्पेक्ट अच्छा। मिले मेरे हाँ। भी काम को, कोई ये ना कहे कि तुम हाँ। आर्ट फिल्ड चिरचिरी पारती हो रोड पे बैठ के, तुम ये करती हो वो बिल्कुल, करती बिल्कुल। इसका कोई वैल्यू नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जो मेरा मेहनत है दिन रात एक करके मैं जो बनाती हूँ इसको प्रॉपर एक बिल्कुल एकदम एक नाम मिले। बाकी अगर आपको इनका पेंटिंग अच्छा लगता है, मुझे तो उम्मीद लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको इनका पेंटिंग अच्छा लगता है तो इनके चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां से इनको सपोर्ट कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो को वायरल कीजिए ताकि सारे लोग इनको सपोर्ट कर सकें। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं अपनी राय हमें जरूर दें। आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।